हेलो गाइस, मैं हूं हताक के एक्सप्लेनर और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हेंस्की का 9 एपिसोड। तो अगर आपने हेंस्की के बाकी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो देख लें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हिकी बोलता है, आज के दिन सायोकी वही करेगी जो मैं उसे बोलूँगा। आज के दिन मैं उसका मास्टर हूँ और वो मेरी पेट है। मैंने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है, मुझे नहीं पता ये सही होगा कि नहीं, लेकिन चलो अब शुरू करते हैं ये सब। सायोकी बोलती है, भले ही आज के लिए हो लेकिन तुम मेरे मास्टर तो बने। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सपने आज सच हो गए। फिर सायोकी वहाँ से जाने लगती है तो हिकी उसे रोकता है। वो बोलता है, अच्छे डॉग बिना मास्टर के कहीं नहीं जाते हैं, तुम्हें मेरे पास वापस आना चाहिए। सायोकी बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर हिकी बोलता है, तुम्हें मुझे हिकी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आज सिर्फ तुम मुझे मास्टर बोलोगी। सायोकी बोलती है, हाँ मैं तुम्हें मास्टर बोलूँगी आज। इसके बाद वो दोनों घूमने के लिए जा रहे होते हैं। हिकी बोलता है, क्या तुम रोलर कोस्टर पर घूमना चाहोगी? सायोकी बोलती है, नहीं। हिकी बोलता है, क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है? सायोकी बोलती है, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक स्कर्ट पहनी है। हिकी बोलता है, यहाँ पर बाकी सारी लड़कियाँ भी हैं जिन्होंने एक स्कर्ट पहनी है। फिर हिकी मन में बोलता है, सायोकी आखिरकार रोलर कोस्टर पर घूमने के लिए मना क्यों कर रही है? मुझे लगता है शायद इसने अपने स्कर्ट के अंदर अंडरवियर वाली पैंटीज पहनी है। मुझे इसे अपने पास रखना होगा ताकि मैं देख पाऊँ कि आखिरकार इसने पहना क्या है अपने स्कर्ट के अंदर। फिर हिकी सायोकी को बोलता है, तो तुम्हें रोलर कोस्टर पर घूमना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ भी हो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। तुम मेरी डॉग हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। सायोकी बोलती है, मैं मानूंगी, मैं एक डॉग हूँ तो मैं अपने मास्टर के लिए नरक तक भी जा सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं। हिकी बोलता है, मेरे पास यही मौका है, जब इसकी स्कर्ट ऊपर होगी तो मैं देख सकता हूँ कि इसने आखिरकार अपनी स्कर्ट के अंदर पहना क्या है। काश वही हो जो मैंने सोचा है। रोलर कोस्टर पे घूमने के बाद वो लोग कहीं और घूमने जा रहे होते हैं। हिकी बोलता है, ये प्लान तो फेल हो गया, लेकिन मुझे सायोकी के बारे में आज कुछ जानने को मिला। इसके बाद हिकी और सायोकी काफ़ी सारे झूले झूलते हैं और फिर शाम हो जाती है। वो दोनों बैठे होते हैं। हिकी बोलता है, मैं इतने सारे झूले झूल चुका हूँ लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि आखिरकार इसने अपनी स्कर्ट के अंदर पहना क्या है। सायोकी बोलती है, अब हमें आगे क्या करना है? हिकी बोलता है, मुझे नहीं पता, तुम चूज़ कर सकती हो कि तुम्हें आगे क्या करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पेट को अपने साथ घुमाता रहूं बिना उसकी मर्जी के। सायोकी बोलती है, तुमने मुझे पेट बोला। सायोकी बोलती है, हमें इस बड़े झूले में घूमने जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों उस बड़े झूले में होते हैं। सायोकी बोलती है, यहाँ पर कोई नहीं है। फिर वो अपने बैग में से एक पट्टा निकालती है और पहन लेती है, और हिकी उसकी रस्सी को पकड़ के रखता है। हिकी बोलता है, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं शायद पता लगा सकता हूँ कि आखिरकार उसने अपने स्कर्ट के अंदर क्या पहना है। हिकी उठ के सायोकी को बोलता है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। तभी सायोकी उठ के हिकी को चाट लेती है। हिकी काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाता है। इसके बाद वो दोनों उस झूले से बाहर आते हैं। सायोकी बोलती है, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम मुझे एक पेट की तरह ट्रीट करो। इसके बाद वो दोनों बैठे होते हैं। हिकी बोलता है, अब तो रात होने वाली है, मैं तो हार मानता हूँ अब। सायोकी बोलती है, तुम तो मेरे मास्टर नहीं बनना चाहते थे तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हिकी बोलता है, ऐसे तुम्हारे साथ घूमने से मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा जान सकता हूँ। तुम वैसे तो ज़्यादा चीज़ों के लिए सीरियस नहीं रहती हो, लेकिन ये पेट और मास्टर वाली चीज़ों के लिए सच में तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो। जब तुमने पहली बार मुझे पूछा था अपना मास्टर बनने के लिए, तब मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि तुम आखिरकार क्या चाहती हो। सायोकी बोलती है, तो तुम इसलिए इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे वो बुक लेके? हिकी बोलता है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? सायोकी बोलती है, नाटक मत करो, तुम डॉग की बुक लेके उसे काफ़ी समय से पढ़ रहे थे, मैंने तुम्हें क्लास में देखा। हिकी बोलता है, तो तुम्हें सब पता चल गया। फिर हिकी मन में बोलता है, आज का मेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मुझे आज काफ़ी अच्छा लगा सायोकी के साथ घूम के, और मुझे सायोकी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। फिर वो टाइम देख के बोलता है, हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, हमें जल्दी जाना चाहिए। इसके बाद हिकी सायोकी को एक जगह पर लेके जाता है, वहाँ पर शूडो आर्टिस्ट के काफ़ी सारे आर्ट होते हैं। सायोकी बोलती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? हिकी बोलता है, मुझे पता है तुम्हें शूडो कितना ज़्यादा पसंद है और तुमने इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है, मुझे लगा दिन को ख़त्म करने का सबसे अच्छा रास्ता यही होगा। फिर वो सायोकी के बालों को सहलाता है। सायोकी बोलती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो, तुम काफ़ी अच्छे हो। इसके बाद वो लोग पेंटिंग देख रहे होते हैं। हिकी बोलता है, तुमने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा कि तुमने मुझे अपना मास्टर बना लिया? सायोकी बोलती है, जब शूडो क्लब स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, तब तुमने शूडो क्लब ज्वाइन किया, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, मुझे लगा कि तुम मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करोगे जैसी कि मैं हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपना मास्टर बनाया। मैं किसी और को अपना मास्टर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। इसके बाद वो दोनों अपने घर के लिए जा रहे होते हैं। सायोकी हिकी को अपना हाथ देती है और बोलती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ के चलो। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के चलने लगता है। हिकी बोलता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि सायोकी ने अपनी स्कर्ट के अंदर अंडरवियर वाली पैंटीज पहनी है कि नहीं।
फिर सायुकी आगे जाने लगती है तो हिकी बोलता है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अगर मैंने ये अभी नहीं किया तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा। हिकी सायुकी को वहाँ पर रुकने के लिए बोलता है और उसे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्कर्ट को उठाओ। सायुकी बोलती है कि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है, मैं ये सब कैसे करूँगी। हिकी बोलता है, तुम्हें करना पड़ेगा, आज के लिए मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरी पेट, तो मैं जो बोलूँगा तुम्हें कुछ भी करके करना ही पड़ेगा। सायुकी को काफ़ी शर्म आ रही होती है और उसे काफ़ी अजीब लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्कर्ट उठाती है। हिकी बोलता है, अगर सायुकी ने अपनी स्कर्ट के अंदर अंडीरेला वाली पैंटीज पहनी होंगी तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि वो लव लेटर भी सायुकी ने ही भेजा होगा। थोड़ी देर में मुझे सारा सच पता चल जाएगा। सायुकी अपनी स्कर्ट उठाती है तो उसने अपनी स्कर्ट के अंदर कुछ भी नहीं पहना होता। हिकी काफ़ी हैरान हो जाता है। इसके बाद हिकी अपने घर पर बैठ कर टीवी देख रहा होता है। हिकी अपनी बहन से पूछता है, क्या लड़कियाँ अपने स्कर्ट के अंदर बिना पैंटीज के घूमती हैं। उसकी बहन बोलती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैंने आज तक ऐसा किसी को करते हुए देखा नहीं है। इसके बाद हिकी अगले दिन अपने स्कूल जा रहा होता है। वो बोलता है, सायुकी के साथ तो मेरा प्लान फ्लॉप हो गया, मुझे कुछ भी नहीं पता चला, और बुरी बात तो ये हुई मेरे साथ कि उसने अपने स्कर्ट के अंदर कुछ भी नहीं पहना था। फिर हिकी अपने स्कूल पहुंच जाता है, वो जूते रख के जा रहा होता है, तभी वहां पर सायुकी आती है। सायुकी बोलती है, जब हम दोनों कल डेट पे गए थे तो मैंने पूरे डेट में पैंटीज नहीं पहनी थी अपने स्कर्ट के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था ना। हिकी बोलता है, ये हद से ज़्यादा अजीब था, और तुम ये सब कर क्यों रही थी। सायुकी बोलती है, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि मैं स्कर्ट के अंदर पैंटीज नहीं पहनूंगी, लेकिन जब घूमने के बाद मैं घर पे गई और आराम किया तो मुझे लगा मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन चाहे कुछ भी हुआ, मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ पता चला, मुझे लगता है मुझे थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है एक पेट बनने के लिए, और मुझे अपने मास्टर को और अच्छे से समझना चाहिए। फिर वो हिकी को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हिकी शूडो क्लब में होता है। युकी बोलती है, सायुकी आज काफ़ी ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रही है, और वो शूडो पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, और वो ब्रश को भी अच्छे से नहीं पकड़ रही है, मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। हिकी बोलता है, युकी तुम गलत सोच रही हो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम दोनों ठीक हैं। युकी बोलती है, तुम नहीं बताओगे तो मैं सायुकी से खुद जाकर पूछ लेती हूँ। इसके बाद युकी सायुकी के पास जाती है। युकी बोलती है, सायुकी तुम्हारे और हिकी के बीच में कुछ हुआ है क्या। सायुकी बोलती है, नहीं हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। युकी बोलती है, तुम्हें मुझे नहीं बताना है तो तुम मुझे मत बताओ। युकी हिकी को बोलती है, लेकिन कल मेरे एग्ज़ाम है, मेरे पास काफ़ी सारे डाउट है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। इसके बाद हिकी युकी के डाउट सॉल्व कर रहा होता है। युकी बोलती है, तुम मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, मुझे लगता है तुम मेरे टीचर बन सकते हो। हिकी बोलता है, तुम भूल जाओ कि मैं ये सब करने भी वाला हूँ। सायुकी काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही होती है और कुछ बोल रही होती है। हिकी बोलता है, आखिरकार इसे क्या हुआ। युकी बोलती है, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, उसके पेज पे देखो, वो कब से खाली पेशेंस पेशेंस लिखते जा रही है। हिकी बोलता है, ये सब मेरी गलती है, कल सायुकी और मेरे बीच एक एक्सीडेंट हो गया था, ये सब मेरी गलती है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। युकी बोलती है, मुझे लगा ही था तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसके बाद युकी हिकी को कुर्सी पर बिठा देती है और उसके हाथों को ज़ोर से पकड़ लेती है। हिकी बोलता है, युकी तुम ये सब करके रही हो। युकी बोलती है, मैं तुम्हारे करीब आऊँगी तो इससे सायुकी को जलन होगी, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार ये सायुकी कितना ज़्यादा बर्दाश्त करती है ये सब। फिर युकी हिकी के गोद में आकर बैठ जाती है। सायुकी को काफ़ी ज़्यादा जलन होती है तो वह पेज पे बार बार पेशेंस पेशेंस लिखने लगती है। फिर युकी हिकी को किस करती है, इसके बाद वो दोनों कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर नांजो आती है, वो बोलती है, यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। हिकी बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस युकी को मैथ्स पढ़ा रहा था। इसके बाद से हिकी जब भी सायुकी को आवाज़ देता है, सायुकी उसे देख के वहाँ से भाग जाती है। हिकी बोलता है, ये सब वापस हो रहा है जैसा पहले हुआ था। इसके बाद हिकी एस्ट्रोनॉमी क्लब में कोहारु के साथ होता है। वो बोलता है, सायुकी मुझे फिर से वापस इग्नोर कर रही है, जब भी मैं उसे आवाज़ देता हूँ वो वहाँ से भाग के चली जाती है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ये सब मेरी गलती है। कोहारु बोलती है, हिकी तुम सायुकी की काफ़ी ज़्यादा परवाह करते हो। वहाँ पर शोयुमा भी होता है, वो बोलता है, कोहारु बिल्कुल सही कह रही है। कोहारु बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हें खुद पता लगाना है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हिकी बोलता है, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो और शुक्रिया मुझे समझाने के लिए, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं जाके सायुकी से बात करूँगा। इसके बाद हिकी शूडो क्लब में होता है। सायुकी बोलती है, जब हम दोनों घूमने गए और जो भी हमारे साथ हुआ मैंने उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन फिर कल तुम कोहारु के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे थे और उसे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, तुम सारी अटेंशन सिर्फ युकी को दे रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुमने मुझे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा बुरे हो। हिकी बोलता है, मुझे तुम्हें नाराज़ करने का कोई मन नहीं था, ये सब तो युकी कर रही थी मेरे साथ। सायुकी बोलती है, मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम्हें उस बूबलेस मॉन्स्टर युकी के साथ ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। हिकी बोलता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो।
सायुकी बोलती है, जब हम दोनों घूमने गए थे तो तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहे थे। तुम बार बार मुझे ऑर्डर दे रहे थे वो करने के लिए जो तुम मुझे करवाना चाहते हो। मुझे लगा ही था कि ये सब तुम्हारा कोई ना कोई एक प्लान होगा। फिर तुमने मुझे अपनी स्कर्ट उठाने के लिए बोला। इसके बाद से तुम मुझे छोड़ के यूके के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे और अपना सारा टाइम तुम सिर्फ यूके को दे रहे थे। तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें यूके के साथ देख के काफ़ी ज़्यादा जलूँ। हिकी बोलता है, क्या तुम इसलिए मुझे इतने समय से इग्नोर कर रही थी? सायुकी बोलती, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हिकी बोलता है, क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है? मुझे लगा था मैंने इसे इसकी स्कर्ट उठाने के लिए बोला इसलिए मुझसे नाराज़ है। लेकिन कुछ भी हो, मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि आखिरकार वंडरेला पैंटीज है किसके पास। मुझे अभी भी शक है कि सायुकी के पास वो हो सकती है। फिर हिकी सायुकी से पूछता है, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने ही मेरे बेडरूम में से अंडरवेयर चुराए हैं? सायुकी बोलती है, तो आखिरकार तुमने पता लगा ही लिया? हिकी बोलता है, तो फाइनली मैंने अंडरेला को पकड़ ही लिया, वो भी रंगे हाथों। सायुकी बोलती है, मैंने वो अंडरवेयर अभी भी पहने हैं। फिर सायुकी अपना स्कर्ट ऊपर करके वो अंडरवेयर्स दिखाती है। हिकी बोलता है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मेरा अंडरवेयर है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सायुकी बोलती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है लड़कों के अंडरवेयर्स पहन के घूमना, इसलिए मैंने तुम्हारे बेडरूम में से तुम्हारे अंडरवेयर चुरा लिए। हिकी बोलता है, सायुकी तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब हो, और आखिरकार तुम्हें मिलता क्या है मेरे अंडरवेयर्स पहन के? सायुकी बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, मैंने तुम्हारे अंडरवेयर्स पहने तो तुम मेरे अंडरवेयर पहन सकते हो। हिकी बोलता है, भूल जाओ, मैं सब कभी करने भी वाला हूँ। इसके बाद हिकी अपने घर जा रहा होता है। वो बोलता है, आज मुझे पता चला कि सायुकी अंडरेला तो नहीं है, लेकिन वो सच में एक बहुत बड़ी ठरकी है। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ कि वो मेरे साथ वापस से पहले जैसा बर्ताव कर रही है। इसके बाद उसे स्कूल के गेट पर यूकी मिलती है। उसने अपना छाता नहीं लाया होता है, तो हिकी और यूकी दोनों एक ही छाते में घर जा रहे होते हैं। हिकी यूकी को उसके घर तक छोड़ देता है, तो यूकी हिकी को थैंक यू बोलती है। इसके बाद हिकी वहाँ से जाने लगता है, तो वो जोर से छींकता है। यूकी बोलती है, तुम मेरे घर पे थोड़ी देर रुक सकते हो, इससे तुम्हें शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद हिकी यूकी के घर में होता है। हिकी बोलता है, मुझे यूकी के कमरे में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। फिर वह बोलता है, मुझे पता है कि सायुकी अंडरेला नहीं है, तो शायद से यूकी अंडरेला हो सकती है। अगर वो अंडरेला है तो उसके बेडरूम में वो अंडरेला वाली पैंटीज होनी चाहिए, और अभी मैं यूकी के कमरे में अकेला हूँ, तो मैं ढूंढ सकता हूँ कि उसकी पैंटीज है कहाँ पर। इसके बाद हिकी यूकी के ड्रॉर में अंडरेला वाली पैंटीज ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं मिलती। तभी उसके पीछे से यूकी बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हिकी बोलता है, मैं तुम्हारे ड्रॉर में से पैंटीज ढूंढ रहा हूँ। जब हिकी उसके ड्रॉर में से पैंटीज निकल रहा था, तो यूकी ने उसकी एक फ़ोटो ले ली होती है। वो उसको फ़ोटो दिखा के बोलती है, मैंने तुम्हारी फ़ोटो खींच ली है, और अगर तुम मेरे नौकर नहीं बने तो मैं ये फ़ोटो सबको दिखा दूंगी। हिकी बोलता है, मैं तो बुरा फंसा, अब मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। सो गाइस, यहीं पर हमारा हेंसकी के 9 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज के लिए गुड बाय, सायोनारा।